महेश्वरी मेडिकोज प्रस्तुत कर रिया हां सामाजिक समस्याओं माते आधारित एक लघु नाटिका तीसरी आंख। पीढ़ी दर पीढ़ी वैचारिक मतभेद व वेरे वास्ते आवश्यक परिवर्तन पर आधारित ई नाटिकारा लेखक व निर्माता है डॉक्टर रमेश गांधी। दिग्दर्शक है डॉक्टर अनिल लद्दड़। नाटिका में अभिनय कर डॉक्टर शोभा गांधी, डॉक्टर राजीव मोहता, डॉक्टर अर्चना कोठारी, डॉक्टर निधि चांडक, श्री हेमंत भट्टड़ और मास्टर करण राठी। ध्वनि संयोजन डॉक्टर विजय मदनानी व पवन तिवारी। ध्वनि मुद्रण रोहन मदनानी। नेपथ्य डॉक्टर कृष्णा गांधी। प्रकाश योजना व विशेष सहयोग श्री काशी प्रसाद जी चौरसिया। तो आप सबारे सामने प्रस्तुत कर रिया हा एक लघु नाटिका तीसरी आंख। छोरो ऐसो है एक गिलास पूरे पावन लायक नहीं। ए भाई ए मारा गोड़ा गया भाई ए आज ए भाई कटे चालू गयो। ओ ग्रैंडपा चिल 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 आप आ कैसे रहे हो जो इतने थक गए हो। अरे बेटा वे गोंदी जी रहे थे ब्याव मंडियो ना वेरो आज पहलो दिन थो तो सबेरे से मैं दोनों वटे छा। सबेरे पहली वो कई केवे सगाई हुई वेरे पचे गणेश पूजियो पचे जिम नो जुटनो वेरे पचे कटे दुपार ने मायरो हुयो गुड़ियो गेणो हुयो और आखिरी में बरी हुई जद मने लाग्यो कि चलो हमें बरी हुया। व्हाट इज दिस ग्रैंडपा गुड़िया गेना बरी मायरा ये सब क्या होता है। ए लो अरे इरे लिए तो केऊ तने साथे चल्या कर मोरे। अरे अपनी रीति रिवाजो तो समझ से ना तने पछे। अरे चार लोगा रे नजरे सु निकल जासे तो आगे पीछे तो थारो ब्याह करनो छे ना पछे। और थारे जसो टावर मोरे साथे रेवे तो मोने भी कितो सहारो रेवे पन ये ना टाइम अच नहीं है मोरे लिए कई करनो तो गोटा गया
ग्रैंडमा, ये किस्सा फिर कभी। ग्रैंडमा पहले आप ये बताओ, आपको इतना टाइम कैसे हो गया? ये लो, मैं तो भूल ही गयो टाइम कैसे हो गया। अरे वेरे पछे भी एक कार्यक्रम तो वटे, संगीत संध्या, 9:30 बज गई ना वे में। संगीत संध्या? हाँ। यू मीन म्यूजिकल नहीं? हाँ। कैसी रही संगीत संध्या? अरे कायरो संगीत अन कायरी संध्या लून न लखत, अरे छोटा छोटा टाबर रे साथे मोटा मोटा मोटे लुगायो है नाचे सिनेमा रे गानो माते। ओ वाओ, ग्रैंडपा ग्रैंडमा आप भी नाचे क्या? अरे माथो नाचू हने तो गोड़ा गया ना मारा। अरे लोका लोकी देखा देख, नई नई रीतो नई नई रीतो, अरे मोरे समय कैसो थो, बियाणा रा गीत होता, आंगणे रा गीत होता, झाला वारणा होता, और थाने याद है कई? हाँ मैं थाने सिखायो ना ए घेवर भरियो बाट को जियो राज भवर जी टपकन लाग्यो भी गोरी चाली बापरे जियो राज भवर जी तरसन लाग्यो जी। तो थे कयो मारो भी ऐसो छोवे बोले। पछे पेली टूटियो हो तो टूटियो बरात जाओ थी ना जने। अरे ब्याह में चोखा लागे है ना, बरोबर मारी बात? बिल्कुल बरोबर। ब्याह रा गीत ब्याह में गाणो चीजे हमें सब धांगड़ दिंगो, गंदी बात गंदी 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 बात, गंदी बात गंदी 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 बात। अरे सावर रे ना रे, मैं कही क्यों, जीवन में भी सब चटर मटर, कई बना रखे समझ में भी कोनी आवे, मारो तो पेट ही कोनी भरियो। अरे संगीत संध्या कैसी हुई बताना विनय? अरे हो संगीत संध्या तो ऐसी करे लोगों कि पूछो मत। अरे ब्याह से ज्यादा खर्चो संगीत में करना के। फिर ग्रैंडपा उसी दिन शादी क्यों नहीं कर देते? चुप रे, उसी दिन क्यों नहीं कर देते? जा देख कोई आया है, दरवाजा खोल। कई कर। ओ वाओ मॉम डैड आइए। सुरेश सुशीला मने तो लागो थे लो घर में छो, जा कोण ले ले। भाई कुर्सी लेना बाबू बैठने। ला रे बाबू कुर्सी ला। कुर्सी ले बेटा। भाई थे भूल गया कि आज माहेश्वरी जी रे अठे रिसेप्शन थो, मैं बैठे गया हा। बाबू सुरेश थारे भाई रो ना गोड़ा दाई माथो भी खराब हो गयो है। अरे वे नहीं कही माहेश्वरी जी, वे वे हाँ हाँ कौन सा हो? अरे वे जका वठे नहीं रहे वठे। हाँ वठे वठे चूल्हा में घात। अरे कई ऐसा करो चूल्हा में मत ही घालो, लारले बरस आपूरे समाज रहा वे अध्यक्ष था। अच्छा मोरे अठे जाओ ना जरूरी तो बाबू ने। और भी बहुत सा ब्याह था बाबूजी। अच्छा तो कटे कटे जाओ तो बड़ी समस्या है। फिर डैड आप डिसाइड कैसे करते हो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो? तू अठी ने तू जो, और जेरी पत्रिका भी पोस्ट आवे फोन भी जो भी कोनी आवे वेरे हटे कहीं जानो नहीं कट। फिर ग्रैंडपा आजकल लोगों के पास टाइम कहाँ है? है इतना डिफिकल्ट है पत्रिका बांटना, लोग तो बस बिजी रहते नो टाइम। टाइम कोनी, अरे मोने के बाटी सुरेश ने ब्यावरी पत्रिका। अरे जठे जाओ पड़े हटे जाओ पड़े, और एक बात है सुरेश रे ब्याव पछे मारा पहली बार गोड़ा उमड़या और हमें तो समुदाज गया।
ग्रैंडपा ग्रैंडमा आजकल तो ईमेल एसएमएस व्हाट्सएप का जमाना है वी शुड ऑल्सो चेंज हमें भी नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए इट्स सो इजी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन फटाफट काम हो जाता है हाँ। बेटा छोटी मुंह बड़ी बात बट बदलाव धीरे धीरे ही आवे है अच्छा। नहीं भाई हाँ। पत्रिका बांटन में कितनी तकलीफ हुए क्यों बाबूजी लारे बरस रिच बात है पत्रिका बांटते बांटते दुगड़ जी ने हार्ट अटैक आई गयो हो रेगी ब्यावरी तैयारी वैसी री वैसी हाँ मने भी याद है पन वो सब छोड़ो ना पन आज कल तो शादी री सब तैयारी रेडीमेड मिल जावे कई करण रो काम नहीं पन सबसे कठिन काम है तो पत्रिका बांटन रो यस मॉम देयर यू आर यस मोरे समय ऐसो नहीं था घर में मो बड़ी पापड़ अचार खाजो मगज गुड़ियो सेंग छाती कुटा घर में करता मो बरोबर है ना करता के नहीं पत्रिका भी बांटने जाओ और साथे पत्रिका भी बांटने जाओ था लो पानी पियो बाबू रे ऐसो कर सो थारो ब्याह ना वो नवी टेक्नोलॉजी सु कर दे सो मंजे कही नेट माते थारो ब्याव लगा दे सो मंजे थारे माँ और बाप ने नेट नहीं आसी ना ब्याव रो रेंदो ना बाबूजी कहीं मेरा मुंडा लगो अरे अबे पुणी पीनो हमें जीव में ठंडा काई भाई मारा तो गोड़ा गया रे दबा रे थोड़ा दबा कहीं हुआ भाई कहीं होवे भाई गोंदी जी रे इठे गया इधर जा उधर जा बे लड्डू जा बे लड्डू और पचे काठा थक गया पर एक मात्र बात है का गांधी जी थे तैयारी बहुत बढ़िया की नी कायरी बढ़िया की नी मायरो नहीं दियो कुछ खास अरे गोंदी जी आपोरे करने से कुछ लगा है देवता चार जनों में चोखो लाग तो बाबूजी मायरेदार राठी जी ने मैं ओळखू हाँ। वोरी परिस्थिति अच्छी कोनी अरे परिस्थिति अच्छी कोनी ना तो कुछ और इंतजाम करता देख बाबू एक बार बूंद से गई तो हाउस से भी पाछी कोनी आवे और कई इंतजाम करता बाबूजी और वैकी परिस्थिति बिगड़ जाती है? अभी मेरे बेटी ने मेडिकल में एडमिशन मिली बहुत फीस देना पड़े आपस तो बोलो अटने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वठी ने अरे यो सब बात छोड़ो ना भाई ये तो बताओ गुड़ियो गेड़ो कैसो थो मायरो कैसो थो बरी कैसी दी अरे गांधी जी अपने आपसु खूब ज्यादा किनो खूब ज्यादा पन भाई मैं तो सुनियो गांधी जी ब्याह रे वास्ते कर्जो लियो पन लुगाया में कई ऐसी चर्चा नहीं थे बाबू बाबूजी बाबूजी बड़ी बेटी रो ब्याह रो कर्जो हाल चुकियो कोनी और नवो कर्जो देख बाबू समाज में अपनी साख रखने वो सब करनोच पड़े पछे बाबू भी तो है ना छोटो आ जाओ से सगड़ो माल या बात है ना अब जान दे वो सब छोड़ ओ बता माहेश्वरी जीरे अठेरो इंतजाम रिसेप्शन कैसो थो एकदम चकाचक बाबूजी अच्छा थाने कहीं बताओ बाबूजी कहीं तो स्टेज कहीं तो गेट कहीं तो सजावट कहीं तो लाइटिंग और कहीं तो नाचन वाली छोरिया और कहीं जोड़ी लग रही थी बाबूजी अच्छा और कहीं तो डिजाइनर महंगा महंगा कपड़ा हाँ बाबूजी छोरी रो घाघरो छो से लाख डेढ़ लाख रो अच्छा डेढ़ लाख का ब्राइडल ड्रेस Only for one day? बाद में वो भाई वापस पहनता है क्या उससे तो बेटर है एक दिन के लिए किराए पे ले लो अभिषेक तुम चुप रहो बाबूजी बधाई देवन वाला ये लंबी लाइन अच्छा मारो 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 नंबर आधी घंटा बाद आयो काई तो सुंदर सुंदर गिफ्ट और काई तो सुंदर सुंदर बुके वाह 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 बाबूजी वाह अच्छा बुके ओ शिट इट इज अ मियर वेस्टेज ऑफ मनी वो भी कोई देने की चीज होती है क्या बाद में फेंकने में जाते तो बहुत बुरा लगता है उससे तो बेटर है कोई यूजफुल चीज दे देते जैसे कि मोबाइल टैबलेट
या कम से कम 500 रुपए रिचार्ज पैक ही कर देते। मोबाइल मोबाइल जब देखो जब मोबाइल, अरे आग लागे थरे भी मोबाइल ने, ला एक भाटो फोड़ू आगो। हाँ मोबाइल मोबाइल, अरे मोबाइल के बात नहीं करे तो थारो कहीं जीव अटक जावे कह रहे, चुप चुप बिल्कुल। जान दो ना सुरेश जी, भाई टाबर है सुरेश, आगे तो बता। बाबूजी जिमण वाला ये लंबी लाइन। अच्छा कहीं तो स्टॉल, कहीं तो खानेरा व्यंजन, मिठाई दी तो जैसे दुकान थी। और तो और बदा अच्छो है बाबूजी, थे चलिया कोनी। पर मैं एक बात बताऊं कि बाबूजी, ते चुप रहो मैंने बोलन दो। मैं एक बात कहूं कि बाबूजी, चलते चलते मैं लोग बहुत थक गया। अरे एक गरम चीज अटे सु लेता तो बटे पोछते पोछते ठंडी हो जाती, कहीं खानो कहीं नहीं, कहीं समझ नहीं रहो तो बटे। अच्छा तो बोलो कैसा स्टॉल था रे बटे, मैं आती तो। अच्छा भाई बाबूजी थे नहीं आया, थोड़ो सो चलनो नहीं हो तो, दाल अठे रोटी उठे चावल कठे रा कठे, पन भीड़ मास्टर जठे वठे। पन बाबूजी मैं कही क्यों, ऐसा ब्याह में टाबरा रे लिए और बुजुर्गा रे लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों बाबूजी? कैन था बाबू। भाई बाबूजी अच्छो यो थे नहीं चले, भाई थोड़ा तो गोड़ा गया, कंबर भी जाओती। वही पिछले महीना या का दोस्त नहीं है देशपांडे जी, वे देशपांडे जी जो बैंक में जनरल मैनेजर है, हाँ। वो रे उठे गया था, आदमी बहुत बड़ो पर ऐसो अखाद नहीं कीनो, आइटम लिमिटेड और एक सो एक स्वादिष्ट व्यंजन था उठे, उठे पेट भर खायो, अठे अठे तो ऊंची दुकान और फीका पकवान। मॉम डैड लगता है आपका पेट नहीं भरा, कहूँ तो पिज्जा मंगवा लूँ, आज तो ऑफर भी है एक पैक फ्री, अब भी आ जाएगा आधे घंटे में। अरे आग लगे थरे भी पिज्जे ने और भी बर्नर ने, अरे अभी मैं और सुशीला मैंने खिचड़ी पका ले सो। ओ डैडी माँ आप तो हमेशा ही खिचड़ी पकाते हो। चुप रहे ना बाबू, कितो बोले तू। हाँ सुरेश आगे तो बता रे के पछे वो लंबी लाइन सु। अरे क्यों रे, ये जब अध्यक्ष था माहेश्वरी जी, जब तो बड़ा के होता कि सादो ब्याव कम व्यंजन, हमें कही हुई है आप तो भज्जी बैंगन खावे दूजो ने ज्ञान सिखावे। क्यों रे कितो खर्चो किनो सी रिसेप्शन रे मां? बाबूजी मने लगे खाली रिसेप्शन में एक खोको खर्चो आयो सी। खोका? व्हाट इज खोका? खोका मतलब एक करोड़। एक करोड़? ओ माय गॉड मॉम, एक करोड़ मॉम, एक करोड़, रुक रुक। एक करोड़ मॉम, मॉम ना आप मेरी शादी में एक करोड़ रुपए मत लगाना, बस पूरे के पूरे एक करोड़ मुझे दे देना, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। वाह वाह तू चुप रे, मोरी भी कुछ इज्जत है समाज रे मॉय। अरे बड़ा बड़ा लोगों रे अठे जाओ, इतना बढ़िया बढ़िया ब्याह में जाओ, वोरी देखा देख मोने भी थोड़ो बुझ तो करनो पड़ से कि नहीं? कुछ नहीं करना है जान दो। अबे कही है बाबा, कही बताओ बाबूजी, सच कही है और झूठ कही, यो तो सिर्फ भगवान महेश ही जाने।
बॉम ये लोग कौन है? अरे ए गिला, इतो भी नहीं मालूम? अपूरा भगवान है ना, महेश पार्वती जी, पगे लाग पगे। ओ माय गॉड, व्हाट्स थारो कही दोष? थारा घर्रा बड़ेरा थाने ठीक सुसंस्कार दिया ही कोनी। मारे ही वंश वंश है तू, समझियो? प्रभु थे तो थोड़ी बात हिंदी में ही क्यों? क्यों महाराज, थे भोड़ा रा भोड़ा ही रह गया। आजकल घरा में मारवाड़ी कुन बोले है, सब जन आपस में हिंदी में ही बोले, और यो तो आधुनिक युग रो बालक है। प्रभु थोड़े दर्शन सु में धन्य हो गया, पर आज यह कृपा कैसी हो गई? आप लोगों की महेश नवमी पर्व की तैयारियां एवं भक्ति भाव देखकर मन प्रसन्न हो गया, किंतु आप लोगों की बातें सुनकर दिमाग सन्न हो गया। प्रभु जी माफ करो, पहली ये क्यों आप री कई सेवा करूं हुकुम? स्वामी मने लागे ये आपना टावर रास्ता सु भटक गया है, अब थे ही आने सही रास्ता पे ला सको। आप सभी मेरे वंशज हो, किंतु आप सब लोगों ने मेरे सारे आदर्शों को तिलांजलि दे दी है। ऐसो मत कहो प्रभु जी, ताके आदर्शों पर ही तो माहेश्वरी वंश चल रहा है। नहीं, ये सब मिथ्या है। मेरी ओर देखो, मैं सादगी में विश्वास रखता हूँ, आडंबर में नहीं। व्यक्ति को स्वार्थ नहीं परमार्थ अपनाना चाहिए। मैंने अपने जीवन में सदा सबका कल्याण ही किया, भले ही मुझे अनेक यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु आपने जो विवाह प्रणाली अपनाई है उसमें तो आडंबर ही आडंबर है। वस्त्र से लेकर भोजन तक सब तरफ केवल दिखावा ही दिखावा। व्यक्ति दिखावे से नहीं कर्मों से महान बनता है। थे सगड़ा ई बात ने समझो, स्वामी जी रे साथे मारी भी यही सलाह है, आडंबर छोड़ो और साथ की अपनाओ। ठीक कहा देवी आपने, सबकी भलाई की खातिर मैंने विष प्राशन किया। इस धरा को समृद्ध करने के लिए अपनी जटा से गंगा को प्रवाहित किया। थे सब माहेश्वरी हो ना? माहेश्वरी सेवा त्याग और सदाचार रूपी त्रिशूल का प्रतीक है। सगड़ारी मदद करो, अपने समाज रे भाई बंधुआरी मदद करो, महिलाओं ने अबला नहीं सबला बनाओ। और तो और, विवाह का सही अर्थ तो समझो। ब्याह दिखावे रो माध्यम नहीं है, विवाह संस्कार दो परिवारों रे बीच पवित्र बंधन है। अर्धांगिनी रे सही अर्थ ने समझो, धर्म पत्नी ने बराबरी रो दर्जो दो, दोनों परिवारों रा संबंध सुदृढ़ और मजबूत कैसा हुसी ये बात रो ध्यान रखो। There you are, I said the same thing. What should I call you? मतलब मैं आपको क्या कहूँ? अरे बावड़ा, माताजी है माताजी, प्रणाम कर। ओ यस माताजी, आजकल शादी की गांठ इतनी कमजोर हो गई है कि एक साल के भीतर ही डाइवोर्स हो जाता है। मुझे तो लगता है रिसेप्शन भी शादी के एक साल निप जाने पर ही देना चाहिए। छोरो तो घनो होशियार लागे मारे गणपति रे जन। और जद ही ओ भी भारे गणेश दाई माउ सुखिले हैं। मेरे विचार में आप लोग मुझे तो मानते हैं, किंतु मेरे सिद्धांतों को नहीं मानते। जो मेरी बताई हुई राह पर चलता है वही मेरा सच्चा भक्त है और मेरा वंशज है, बाकी तो सब छलावा है छलावा। प्रभु जी मैं थोड़ा ही टावर हाँ, तो जैसो बोल सो मैं सब वैसो ही कर सो। तो शादी ब्याह में होने वालों वो उधड़ो खर्चो बंद करो और वो पैसों गोर गरीबारी सेवा में लगाओ। छोरिया ने पढ़ाओ, विद्यालय खोलो,
दवाखाना खोलो और हाँ घर का बड़ा बुजुर्गारी सेवा करो। माता जी मैं इनसे यही कहता हूँ पर ये लोग मुझे हमेशा ही डांटते रहते हैं। बालक बुद्धिमान है, इसकी बातें तर्क संगत है। नई पीढ़ी की भावनाओं को समझो, ऐसे ही भेड़ चाल में चलते रहोगे तो समाज के मध्यम वर्ग और गरीब कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। और एक बात, दूसरे समाज में विवाह होने से भी हमारा वंश मिट जाएगा। चूंकि मैं आपका पिता हूं, मेरे वंश को मिटने नहीं दूंगा। आपने अब भी अपने ज्ञान चक्षु नहीं खोले तो मेरी तीसरी आंख खुलने में वक्त नहीं लगेगा। देव हो नाटिका की प्रस्तुति हमने यहाँ पर देखी। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी मंच पर रहें और हमारे माहेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष श्री नवनीत जी माहेश्वरी से निवेदन करती हूँ कि इन सभी कलाकारों को एक स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान प्रदान करें। सभी कलाकारों से निवेदन है आप मंच पर रहें, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हम माहेश्वरी पंचायत की तरफ से आपको देना चाहते हैं। इस नाटक में सम्मिलित कलाकार इस प्रकार है। इस नाटक सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह नाटक लिखा है डॉक्टर रमेश गांधी ने और इसे दिग्दर्शित किया डॉक्टर अनिल लद्दड़ और इसमें सहभागी कलाकार थे
दादाजी की भूमिका में डॉक्टर अनिल लद्दड़, दादी जी की भूमिका में डॉक्टर शोभा गांधी, सुरेश हेमंत भट्टड़, सुशीला डॉक्टर निधि चांडक, अभिषेक की भूमिका में मास्टर कलाकार करण राठी, शिवजी की भूमिका में थे डॉक्टर राजीव मोहता, विशेष सहायक और प्रकाश योजना जिन्होंने संभाली थी वो है हमारे श्री काशी प्रसाद जी चौरसिया सर, एवं पार्वती की भूमिका निभाई थी डॉक्टर अर्चना कोठारी। एक बार जोरदार तालियां देके इनको आप सम्मानित करें। बस अब हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है।